एशिया कप का भारत पाक महामुकाबला आज शाम 7:30 बजे होगा। एशिया कप जिसमें आज फिर जीतने की तमन्ना है। पाकिस्तान पर भारत भारी नजर आ रहा है। आज के मैच के लिए टीम इंडिया में अनुभवी व युवाओं का मिश्रण होगा, वहीं पाक टीम ज्यादा युवा है पर प्रदर्शन में पीछे है। एशिया कप में आज शाम 7:30 बजे दुबई में महामुकाबला होगा। भारत पाक 10 महीने बाद आमने सामने होंगे। आइए मैच से पहले नजर डालते हैं टीमों के मौजूदा हालात पर, ताकत और कमजोरियों पर, जिनसे आज मैच का नतीजा तय हो सकता है। T20 में पाक पर भारत की 3 गुना जीत है। अब तक कुल 9 मैच हुए हैं, भारत ने 6 जीते हैं, पाक सिर्फ 2 बार जीता है, 1 मैच टाई रहा है। वहीं एशिया कप में 1.5 गुना ज्यादा जीत भारत की हुई है। कुल 14 वनडे और T20 हुए हैं, जिनमें से 8 भारत ने जीते हैं, पाकिस्तान ने केवल 5 जीते हैं, 1 मैच बेनतीजा रहा है। एशिया कप में भारत का ओवरऑल प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। भारत ने एशिया कप में अब तक कुल 54 मैच खेले हैं, इनमें 36 मैच यानी 66% जीते हैं, जबकि पाक ने कुल 49 मैच खेले हैं, इनमें 28 मैच यानी 57% जीते हैं, 35 मैच श्रीलंका जीत कर दूसरे स्थान पर रहा है। पाकिस्तान की टीम की औसत उम्र 26 वर्ष जबकि भारत की 29.8 है। आज दुबई के मैदान में उतर रही टीम इंडिया पाकिस्तान से उम्र में 4 साल बड़ी है। भारतीय खिलाड़ियों की औसत उम्र 29.8 साल है जबकि पाकिस्तान टीम की औसत उम्र 26 साल है। पाकिस्तान के सिर्फ 6 खिलाड़ी भारत से भिड़े हैं जबकि भारत के 10 खिलाड़ी हैं। पाकिस्तानी टीम में 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारत के साथ कम से कम 1 T20 मैच खेल चुके हैं, जबकि भारत के 10 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ 1 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं। रोहित 8, विराट 7, अश्विन जडेजा 5-5 यानी सबसे अनुभवी हैं। वहीं भारतीय बल्लेबाजों में भी दम है और गेंदबाजी भी बेहतर है। 6 भारतीय बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर है। पाकिस्तान के पास एक भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है। भारत के 5 खिलाड़ी T20 में 50 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। पाकिस्तान टीम में भी ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है। वर्ल्ड कप 21 के बाद का अच्छा रिकॉर्ड भारत का रहा है। भारत ने वर्ल्ड कप 21 के बाद 24 T20 मैच खेले हैं। औसतन स्कोर 170 रहा है, पाकिस्तान का 158 रहा। भारतीय बॉलर हर 20वीं गेंद पर विकेट ले रहे हैं जबकि पाकिस्तानी गेंदबाज 21वीं बॉल पर विकेट लेते हैं। वहीं 80% विशेषज्ञ भारत को जीत का दावेदार बता रहे हैं। एशिया कप में रविवार को भारत पाकिस्तान टीम 309 दिन बाद फिर आमने सामने होंगी। इससे पहले दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में भिड़ी थी। मैच जीतने के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। इसे लेकर 80% विशेषज्ञ भारत को जीत का दावेदार बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धुरंधर शेन वॉटसन का मानना है कि एशिया कप का विजेता भारत है। पहला मैच देखना बेहद खास होने वाला है। मुझे लगता है कि जो भी इस मैच को जीतेगा वो एशिया कप का दावेदार होगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी दानिश कनेरिया का मानना है कि भारत काफी T20 क्रिकेट खेल रहा है। उन्होंने कई बदलाव किए हैं, वे कई टीमों का निर्माण करने में कामयाब रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान एक भी टीम नहीं बना पाया। एशिया कप में भारत का पलड़ा भारी है। वहीं न्यूजीलैंड के स्टॉक्स टायरेस कहते हैं कि पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की है। भारतीय टीम के पास एशिया कप के दौरान पाकिस्तान सहित सभी टीमों को हराने की क्षमता है। वहीं पूर्व भारतीय बल्लेबाज सबा करीम का मानना है कि एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अनुभव का समर्थन कर रहा हूं। कोहली, राहुल 2-3 अच्छे अभ्यास सत्र से गुजरते हैं तो वे टीम के लिए सही समय पर फॉर्म में वापस आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।